हेलो कैप्टन ऑफ बॉम्बे एंड वेलकम टू आवर टुडे शो। आज का थोड़ा सा जल्दी लाना पड़ा एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अर्ली, क्योंकि आज मोहन बगान का मैच का वॉच अलॉन्ग है 3:30 बजे से। सो आई कुडंट डू एट माय रेगुलर टाइम। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी लेट और रिक्वायरमेंट और एनीथिंग। सो द न्यूज इज प्रीटी गुड फॉर द मुंबई फैंस। मुंबई के फैंस ये न्यूज के लिए बहुत बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। यस, यू हैव गॉट योर आमिर जाहू रिप्लेसमेंट एंड ही इज अ डैम गुड प्लेयर। योएल वैन एफ, ये प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि योएल वैन एफ, क्योंकि हम NIEEFF को प्रोनाउंस ना करके न्याफ बोल सकते हैं। एंड भाई ये बहुत ऊंचे दर्जे का प्लेयर है। एक चीज बोल दूं, ही हैज प्लेड विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। यस, ही हैज प्लेड विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। वो ग्रोनिंजन के यूथ एकेडमी में था जब ग्रोनिंजन में एक प्लेयर खेलता था जिसका नाम है नन अदर देन वर्जिल वैन डाइक। यस, ही इज एन वर्जिल वैन डाइक का टीममेट ऑफ सम सॉर्ट। Yes, Van Dijk moved away from Groningen जब तक वो first team में आ गया, but yes, he was there when Virgil Van Dijk was there in FC Groningen. देखो, FC Groningen के youth side से उनका career शुरू हुआ, then he moved to under 17 sides, then he moved to Dordrecht, उससे फिर से वो लौटा Groningen में, उसके बाद Excelsior, उसके बाद फिर से Groningen, उसके बाद वो Heracles चले गए, Heracles में खेला, पुष्कर से AFC में खेला, पुष्कर से AFC में खेलने के बाद he has moved to Mumbai City FC, और उनका पूरा career उन्होंने Eredivisie और जो हंगेरियन NB1 लीग है उसमें खेला है। एंड ही इज एन प्रॉपर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। आमिर जाहू का प्रोफाइल के साथ वो प्लेयर परफेक्टली सूट करता है। परफेक्टली, व्हेन आई से परफेक्ट आई मीन परफेक्टली सूट करता है। ही इज अ वेरी 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 गुड प्लेयर। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस प्लेयर के पास एक चीज है जो बहुत कम सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स के पास होता है, दैट इज द एबिलिटी टू हैव दैट फाइनल बॉल और असिस्ट देने की एबिलिटी। यस यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गिविंग असिस्ट। आमिर जाहू से भी अच्छा है, आमिर जाहू इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेमेकिंग CDMs इन दिस होल लीग, उससे भी अच्छा, बिकॉज वो जिस क्लब में खेलता था इन बोथ हंगरी एंड नेदरलैंड्स, ही हैज 15 असिस्ट इन दिस टू लीग्स। और Eredivisie इज अ टॉप 5 लीग नाउ इन यूरोप। फ्रेंच लीग बाहर आ गया है, Eredivisie अंदर आ चुका है। यस, Eredivisie इज अ टॉप 5 लीग राइट नाउ और उसमें उनका 5 असिस्ट, और इन द हंगेरियन लीग जहां पे डोमिनिक शोबोजलाई जैसे प्लेयर जिस लीग से प्रोड्यूस होते हैं वहां पे 10 असिस्ट। सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा अबाउट दिस प्लेयर, इस प्लेयर का गेम स्टाइल अगर आप एक यूरोपियन प्लेयर के साथ कंपेयर करना चाहोगे, दैट इज नॉन अदर देन रॉड्री। रॉड्री के साथ उनका गेम प्रोफाइल बहुत ही सिमिलर है। एंड भाई आप लोग जानते हैं रॉड्री प्लेस फॉर विच क्लब, मैनचेस्टर सिटी, एंड द सिस्टर क्लब मुंबई सिटी एफसी हैज गॉट देयर ओन रॉड्री, दैट इज नॉन अदर देन योहान योएल, व्हाटएवर यू कैन से, योएल वैन नाइफ। और योएल वैन नाइफ के बारे में मैं और कुछ बातें बोलना चाहूंगा, ही इज अ टोटल सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, ये जैसा एक सच है, बट अगर उनका पूरा करियर देखा जाए, ही हैज प्लेड इन मल्टीट्यूड ऑफ पोजीशंस। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं, व्हेनेवर ही प्लेड फॉर द क्लब्स ही प्लेड फॉर, ही हैज प्लेड इन DM फॉर 131 गेम्स। बट आप पूछोगे भाई इसका और कोई बैकअप ऑप्शन तो जरूर होगा, एक ही पोजीशन में खेलते हैं ऐसा प्लेयर तो वर्सेटाइल नहीं है। नो, ही हैज प्लेड इन मल्टीपल पोजीशन। और आप एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट बोलूं, सरप्राइजिंग डिफेंसिव मिडफील्डर तो है, 151 मैचेस वहां पे खेला है। जानते हो उनका बैकअप पोजीशन कौन सा है? नो, नॉट सेंट्रल मिडफील्डर, CM, लेफ्ट बैक। वो एक बैकअप लेफ्ट बैक भी है और 58 मैचेस उन्होंने लेफ्ट बैक पोजीशन में खेला है। एंड व्हेन ही प्लेड एज अ लेफ्ट बैक, व्हाट अ प्लेयर ही वाज। उनका मोस्टली बल्क ऑफ द असिस्ट आया है फ्रॉम द लेफ्ट बैक पोजीशन, और वो एक अटैकिंग लेफ्ट बैक का रोल खेलते हैं। जब मैं उनका प्रोफाइल देख रहा था, मैं सच बोलूं गाइस, आई वोंट लाई टू यू, मुझे बहुत हैरानी हुई। एक प्लेयर जो CDM है, बैकअप लेफ्ट बैक खेलता है, जब हम देखते हैं CDM लेफ्ट बैक बनता है क्या होता है, ही बिकम्स अ डिफेंसिव लेफ्ट बैक और अ डिफेंसिव राइट बैक। फेबिनो को हमने देखा है ये रोल लिवरपूल के लिए कुछ वक्त खेलने के लिए, डिफेंसिव होता है। तो मैन ही इज नॉट डिफेंसिव, कुछ अलग ही लेवल का पेस है इसके पास। और जो लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई के स्काउटिंग के बारे में, दिस एग्जेम्प्लीफाइज मुंबई स्काउटिंग में कितना अच्छा है। दिस इज द साइनिंग दैट प्रूव्स दैट। ब्रिलियंट प्लेयर, ठीक ठाक प्राइस में खरीदा, किसी को कोई भनक भी नहीं थी। मैं बार बार रुजबे चश्मी का नाम ले रहा था, हाई प्रोफाइल नेम, भाई उससे भी हाई प्रोफाइल है ये। रुजबे चश्मी प्लेड फॉर ईरान, दिस गाइज अ प्रॉपर प्लेयर हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज 90% ऑफ हिज करियर इन नेदरलैंड्स एंड 10% ऑफ हिज करियर ग्रोनिंजन बॉर्न है, अंडर 18 नेदरलैंड साइड के लिए, नॉट एनी साइड, नेदरलैंड्स के अंडर 18 साइड के लिए 5 कैप्स है इस बंदे के पास, 5 कैप्स एंड ऑल्सो डच कप विनर विद ग्रोनिंजन। He is a player you should watch out for. He is a player who is so so good. भाई जॉनी काउ को, भाई ये जॉनी काउ को देखो, जॉनी काउ को फिनलैंड से है, but this player is, उनका अगर CV देखो ना, ये जॉनी काउ को से भी अच्छा प्लेयर है। He is a better player than जॉनी काउ को, अगर सिर्फ CV देखो। अब जॉनी काउ को जैसा क्या इम्पैक्ट होगा इसका, मैं नहीं बोल सकता। मैंने गैरी हुपर
और एडम लेफोंडर को यहाँ पे फेल करते हुए देखा है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट अबाउट अ प्लेयर हु हैज स्पेंट 90% ऑफ हिज करियर 100% ऑफ हिज करियर इन यूरोप, जिन्होंने अपना करियर पूरा यूरोप में बिताया है, इंडिया में आकर के सेटल हो जाएगा, एंड ऑल्सो इन अ वेरी ह्यूमिड कंडीशन ऑफ मुंबई विच इज अ कोस्टल सिटी. सो ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसको देखना पड़ेगा हमें. विल ही रियली बी एबल टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ बिग बिग प्लेयर देयर, क्योंकि देखो गर्मी होगी, इंडियन का वेदर हर वक्त अच्छा नहीं होता. व्हेन ही विल कम द टेम्परेचर विल बी इन हिज फेवर, बट सीजन जितना खत्म होते आएगा और सीजन जितना एक के बाद एक सीजन थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगा, गर्मी उतनी बढ़ेगी एंड इंडिया की गर्मी बहुत गर्मी होती है. एंड ही विल नॉट ओनली प्ले इन मुंबई, उसको कोलकाता आना पड़ेगा, केरला जाना पड़ेगा, एंड दिस प्लेसेज आर हॉट. आई एम अ कोलकाता, आई नो इट्स हॉट. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो कैसे सूट करते हैं. बट डेज बकिंगहम से जितना मैंने बात किया है इन द पॉडकास्ट, डेज बकिंगहम ऑलवेज लुक्स फॉर प्लेयर्स who are very much well accustomed. So ये थोड़ा सा उस घराने से थोड़ा सा अलग है, because he is not someone who is very well accustomed to the Asian stage. But again, we have seen players like Sai Godard doing a brilliant job, not even playing in the South Asia. South Asian football is different. We have seen Johnny Cauco being a very good player. Johnny Cauco बहुत बड़े नाम थे, but he was not someone who is accustomed to Indian football. So ऐसा नहीं है कि success नहीं हो सकता. There is 90% chance he will be a very 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 good player. And about this signing, मैं सिर्फ तारीफ ही करूंगा इस साइनिंग के बारे में. 30 साल का उम्र है एफसी ग्रोनिंजेन के लिए, 1993 बॉर्न है. और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इंजरी रिकॉर्ड इज इम्पेकेबल इंजरी रिकॉर्ड है. देयर इज ऑलमोस्ट नो इंजरी फॉर दिस प्लेयर. अपने करियर में कोई मेजर इंजरी से वो सफर नहीं किया है, सो लोग ये नहीं बोल पाएंगे. सिर्फ एक बार वो इल था फॉर 6 days इन 14-15 सीजन, उसके बाद देयर इज नो इंजरी रिकॉर्ड. देखो क्रैम्स पुल ये सब तो आते हैं, बट देयर इज नो ACL, देयर इज नो हैमस्ट्रिंग टियर, देयर इज नो मसल टियर. प्रॉपर फिट प्लेयर आ रहा है. ऐसा नहीं है कि प्लेयर अपने करियर को बीच में छोड़ के आ रहा है टू अर्न मनी. नो, ही इज अ प्रॉपर प्लेयर. एंड व्हेन अ सिटी ग्रुप CFG टीम ऑफर्स यू, यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी, एंड दिस गाय इज टेकिंग द अपॉर्चुनिटी विदाउट अ डाउट. सो डेविड टीमोर डील कन्फर्म, जब होगा मैं बदलूंगा उत्कर्ष. सो विल लिस्टन कोलासो, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बाद में लेता हूँ. मुंबई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. एंड अबाउट मुंबई, जिस पोजिशन में वो खेल सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ पोजिशन है जहाँ पे ये प्लेयर खेल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक गोलकीपर के पोजीशन में हमें देखने वाले हैं फुटबॉल आलचेन पर. डिफेंस में हमें देखने वाले हैं नॉन अदर देन रॉस्टन ग्रिफिथ्स, और रॉस्टन ग्रिफिथ्स के साथ मेहताब सिंह. लेफ्ट बैक में आकाश मिश्रा, राइट बैक में वी कैन सी राहुल भेके. इन द सेंट्रल डिफेंसिव पिवट 4-2-3-1 में वी विल सी टू प्लेयर्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपुया एंड नॉन अदर देन योहान वैन निफ. वो खेलेंगे यूएल वैन निफ. एंड जो 4-2-3-1 का 3 अप फ्रंट होगा, उस 3 अप फ्रंट में हमें कौन कौन प्लेयर दिख सकते हैं. इन द 3 अप फ्रंट वी विल सी इन द स्ट्राइकर पोजिशन द प्लेयर विल बी नॉन अदर देन जॉर्जे पेरेरा डिया. CAM के पोजीशन में हमें दिखेंगे नॉन अदर देन आर वेरी वेरी फेवरेट प्लेयर, दैट इज ग्रेग स्टुअर्ट. और दो विंग्स में बिपिन सिंह और लालिंस वाला छांगते. सो दिस इज द होल टीम मुंबई सिटी एफ सी इज गोइंग फॉर, और ये कन्फर्म हो चुका है. एंड दिस इज देयर फाइनल साइनिंग मोस्ट ऑफ द सीजन. और किसी प्लेयर के लिए मुंबई नहीं जाएंगे. अब गाइज थोड़ा सा वेट कर जाओ, आई विल टेक द क्वेश्चन क्विकली. हैदराबाद एफ सी न्यू साइनिंग हु, दे रिलीज वन वीडियो. येस इज विघ्नेश दक्षिणामूर्ति. विघ्नेश दक्षिणामूर्ति इज द न्यू साइनिंग. सो हाई सर, सर बोलने की कोई जरूरत नहीं भाई. आई एम हियर ब्रो. ईशान पंडिता तो बैक टू गोवा पॉसिबल? नो, देर इज नो चांस. ईशान पंडिता इज गोइंग टू केरला ब्लास्टर्स. भाई ओडिया निगालो न्यूज तो फुल फेक था. ये तो फुल फेक था, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि ओडिया निगालो नहीं आने वाला है. मार्कस ने खुद बोल दिया था. मेरा ओपिनियन मैटर भी नहीं करता. वेन मार्कस सेज समथिंग इट्स ट्रू. सो भाई इसका छोटा था ये. सो ब्रो ईशान पंडिता बैक टू गोवा पॉसिबल? मैं बार बार बोल रहा हूँ वेरी लेस चांसेस. क्रिस वाओ, यस इट्स अ वेरी गुड साइनिंग. भाई आज का मैच के देखने जाएंगे? नहीं, देखने नहीं जाऊंगा. 3:30 बजे से वॉच अलॉन्ग होगा, उसमें मैं इसी चैनल में रहूंगा. एंड यस द कमेंट्री विल बी इन बंगाली. सो पंजाब एफसी, लेट्स गो. पंजाब एफसी इट्स प्रीटी गुड टीम. पंजाब ने एडुबेदिया के लिए जा रहे हैं. दे आर लीडिंग द एडुबेदिया रेस. कल तक जमशेदपुर था. राइट नाउ द टीम विच इज लीडिंग द एडुबेदिया रेस इज पंजाब. अदरवाइज पंजाब अपना सेट टीम रख रहे हैं. ब्रो ईशान पंडिता बैक, मैं बार बार बोल रहा हूँ नो 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 नो. भाई आज के जॉनी कॉको लाइक प्लेयर है. भाई ये जॉनी कॉको से भी अच्छा प्लेयर है ऑन CV, बट इंडिया में कितना करेगा देखना पड़ेगा. CFC अपडेट, आई डोंट हैव एनी नाइट ऑफ बलराम. फारूक हुआ है और बाद में जब आएगा आई विल टेक सम न्यूज एज वेल. सो ब्रो ईशान पंडिता बैक टू गोवा पॉसिबल? बहुत कम चांसेस है, वेरी लेस, वेरी लेस. सो डेविड टीमोर डील कन्फर्म हो गया ब्रो? हो सकता है, मैंने ट्विटर नहीं देखा. आई वॉज डूइंग माई जॉब सो आई कुडंट सी. सो अगर हो गया होगा, आज थोड़ा सा वीडियो लाना मुश्किल है. टुमारो आई विल कम विद द वीडियो एब्सोल्युटली. आज क्यूरियस हैरी आने वाला है रात को. क्यूरियस हैरी भी आएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम क्यूरियस हैरी देर इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट डील विच आई हैव टू टेक केयर ऑफ, दैट इज द मोहन बगान वॉच अलॉन्ग. तो अगर शाम को टाइम होता है 7:30-8 बजे मैं एक वीडियो ला दूंगा इफ पॉसिबल. सो मुंबई सिटी एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट्स विल बी न्यू एल क्लासिको. सिर्फ एल क्लासिको नहीं, नेक्स्ट 7 या 8 साल के लिए इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट राइवलरी बनने वाला है.
So any UFC update right now, I don't have any Pranav. Jab ho aayega, I will absolutely come with a video. Bro will listen, come to Goa if Kolkata releases him under Mangalore. Kolkata nahi release karega. Most probably he will stay in Kolkata. He will not change his team. So, and Mohan Bagan doesn't want to sell him. Ab to yahi situation hai. Duran ka missing one team in Group D. Wahan se 3 teams honge aur sirf ek team qualify karega abstract. So David team out to Goa. Haan, log bol rahe hai, confirm ho chuka hai. Toh main, I will look at Twitter. Take the news and will come later. Aaj agar na bhi ho paaye, kal to zarur aunga. Don't worry about it. Northeast special defender name. Right now, I don't have any defender name for Northeast. So, Reserve C signed 5 players. 5 kya 6 players hai. Carlos Delgado, Murtaza Fall, Edu Garcia. Uske baad, there is someone like a... Upfront, there is Diego Mauricio. Diego Mauricio ka alawa bhi aur ek striker hai. So, there are 5 strikers. Some names I am forgetting right now, but pretty good. आकाश सांगवान देखना पड़ेगा, आकाश सांगवान कैसा करता है कोई डील. सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर आऊंगा 3:30 बजे को विद मोहन बगान वर्सेस टालीगंज अग्रगामी वॉच अलोंग. उसमें आ जाना अगर पॉसिबल हो, इफ यू अंडरस्टैंड बंगाली. और तब भी अगर कोई क्वेश्चन करना हो, यू कैन, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट बिट अबाउट डेविड टिमोर इन दैट वीडियो. तो वहां पर आ जाना, डेविड टिमोर के बारे में कुछ बात कर लेंगे. सो भाई पर आपका ओपिनियन दो. यस, इट्स अ गुड डील. डेविड टिमोर का वीडियो मैंने पहले कर चुका है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. सो भाई सहाल न्यूज और सिलरॉय, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बोलू. डेविड टिमोर का डील ना, पहला बंदा होल यूट्यूब सर्किट में जिसने रिपोर्ट किया था. आई एम सो हैप्पी सिलरॉय, आई वोंट लाई. क्योंकि तब कोई डेविड टिमोर के बारे में कोई नहीं जानता था. व्हेन आई मेक द वीडियो, मैंने 2 महीने पहले बनाया था दिस वीडियो अबाउट डेविड टिमोर. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी. इज द बेस्ट साइनिंग फॉर मुंबई सिटी एफसी? यस, इट्स द बेस्ट पॉसिबल साइनिंग. और बहुत ही, देखो नाम बड़े से कुछ नहीं होता, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर आऊंगा 1 घंटे बाद विद द वॉच अलॉन्ग एंड आफ्टर दैट आई विल कम बैक इवन द नाइट विद क्यूरियस हैरी. वो वाला पॉडकास्ट भी देख लेना, क्यूरियस हैरी आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा चीज. सो गाइज अंटिल देन इज गुड बाय फ्रॉम आम बैंड. चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो. टाटा.